श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, 7 अगस्त रविवार को है दशमी तिथि। यह जो उपाय है शंभेश्वर महादेव का, यह उपाय केवल आपको दशमी तिथि के दिन ही करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते। सो दोस्तों, यह दोनों उपाय आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। पहला उपाय जो है, अगर आपके घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, आप परेशान हो गए उसके गुस्से से, लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, घर में कोई भी सदस्य हो, उसके लिए उपाय घर का कोई व्यक्ति कर सकता है। क्या करेंगे इस उपाय को करने के लिए? आपको चाहिए 31 बेलपत्री। बेलपत्री अच्छी होना चाहिए, कटी टूटी नहीं होना चाहिए। और लेंगे 31 चावल के दाने। चावल के दाने भी साबुत खड़े होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। महादेव के मंदिर जाइए, एक एक बेलपत्री के साथ एक एक चावल का दाना समर्पित करती जाइए, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। 31 बेलपत्री और 31 चावल के दाने समर्पित करना है, पर ध्यान रखो एक एक करके करते जाना है। बहुत अच्छा उपाय जरूर कीजिएगा, एक ही बार करेंगे फायदा नजर आ ही जाएगा। दूसरा उपाय बहुत विशेष है। यह उपाय बच्चे खाना नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे या बड़े उल्टी कर देते हैं खाना खाते से, खाना पचता नहीं है उनका, या बड़ों का भी खाना पच नहीं रहा है, एसिडिटी हो रही है, पेट संबंधित कोई बीमारी हो, उसके लिए यह विशेष उपाय है। क्या करेंगे? एक कलश जल लेना, ठीक है, एक कलश जल के अंदर 3 बेलपत्री डाल लेना, डाल लिया आपने, और एक पीपल का पत्ता। अब ध्यान रखो रविवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़ते नहीं है, तो एक दिन पहले ही शनिवार को आप तोड़ के रख लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस लोटे में 3 बेलपत्री, एक पीपल का पत्ता डाल लिया आपने, इस कलश को लेके आप मंदिर जाइए। एक बात ध्यान रखिए, आपको चाहिए 11 समी पत्र, पर समी पत्र आपको कलश के अंदर नहीं डालना है। समी पत्र आपको कलश से छुआते हुए 11 की 11 समी पत्र के पत्तियां आपको महादेव के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव का बोलते हुए समर्पित कर देना है। उस कलश को जिसमें हमने 3 बेलपत्री डाली है, एक पीपल का पत्ता डाला है, उस कलश को ऐसी कैसी उठाकर घर की ओर ले आइए। घर की ओर लाकर एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए उस कलश को अपने घर पर ऐसी रखे रहने दीजिए। अगले दिन उस कलश को जो बच्चों के लिए कराया आपने, तो बच्चों को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसका आचमन कराते जाइए। ये किसी बड़े के लिए कराया है, एसिडिटी के लिए कराया है, पेट संबंधी बीमारी के लिए किया है, तब भी आपको आचमन कराना है 3 टाइम। यह आचमन आपको 3 दिन तक कंटिन्यू कराना है, सुबह दोपहर शाम कराना है, और नाम क्या लेंगे, शंभेश्वर महादेव। बस यह उपाय एक बार ही करें आप और आपको फायदा नजर आ जाएगा। दोनों उपाय बहुत अच्छे हैं, जरूर कीजिएगा, केवल दशमी तिथि के दिन ही करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।